हाय एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप्स कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, क्या आप अपने YouTube चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट करते हो या फिर नहीं करते हो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि YouTube कम्युनिटी पोस्ट क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आप करते हो तो कंटिन्यू करते रहना, ठीक है? अब देखिए गाइस, अगर आप नहीं करते हो ना, तो आप यहां पर दो चीजों का लॉस कर रहे हो। पहला, जो आपकी YouTube वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है, वो व्यूज डाउन इसी वजह से है, ठीक है, कि आप कम्युनिटी पोस्ट नहीं करते हो। दूसरा, आपकी चैनल की जो ऑडियंस है, आपके YouTube चैनल से हमेशा कनेक्ट नहीं रहती है। मतलब आप जब भी वीडियो डालते हो तो आपका व्यूज नहीं आता है, ठीक है? अब क्यों नहीं आता है? देखिए गाइस, मैं बता दूं, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो ना, तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सारे सब्सक्राइबर के पास पहुंच जाता है, जिनमें से कुछ सब्सक्राइबर आपकी वीडियो पर व्यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि वीडियो में क्या है। लेकिन कुछ व्यूअर्स, कुछ सब्सक्राइबर आपके वीडियो को नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि उनको मालूम नहीं चलता है आपके ऑल सब्सक्राइबर या फिर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं किए होते हैं, ठीक है? लेकिन गाइस, जब आप अपने यूट्यूब पर कम्युनिटी उसी पोस्ट को, उसी वीडियो का पोस्ट करते हो, तो आपके फिर से सारे सब्सक्राइबरों के पास नोटिफिकेशन जाता है। तो इससे दो फायदा होगा कि एक ही वीडियो का दो बार नोटिफिकेशन सारे सब्सक्राइबरों के पास पहुंचता है। तो उससे क्या होता है, जो सब्सक्राइबर आपका वीडियो नहीं देखे होते हैं, वो भी उस रीपोस्ट की वजह से, यानी कि जो कम्युनिटी पोस्ट है उसकी वजह से आपकी वीडियो में व्यूज आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट किया जाता है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। आपको सीखने के लिए चलना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर। वहां चलने से पहले गाइस, इस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे ही YouTube से रिलेटेड टिकी वीडियो हमारे चैनल के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती रहेगी। चलिए आज की इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपको YouTube कम्युनिटी पोस्ट करने के लिए सिंपल सा आपको अपना YouTube ओपन करना है। जैसे आप YouTube ओपन करोगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना चैनल ओपन कर लेना है, ठीक है? जैसे आप चैनल ओपन करोगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर। और आपको यहाँ पे देखिए, होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कम्युनिटी का ऑप्शन, ठीक है? अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं रेगुलर कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो, मैंने अभी ये देख सकते हो, एक आवर एगो, यानी कि सुबह में किया था, और उसके बाद यहाँ पर देखो 10 आवर एगो, और यहाँ से मैं हर एक वीडियो का जो है कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, जिससे नोटिफिकेशन सारे सब्सक्राइबरों के पास पहुँच जाता है, ठीक है? और यहाँ से कोई अगर यूट्यूब पर ग्लिच है, प्रॉब्लम है, वो भी मैं बता देता हूँ अपनी ऑडियंस को कि भाई ये प्रॉब्लम है और ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा, या फिर क्या कैसे सॉल्यूशन होगा, सारा कुछ मैं यहाँ से डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। इससे हमारी ऑडियंस जो है हमारे चैनल से हमेशा कनेक्ट रहती है। अब इसको आपको करना कैसे है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला किया है, अब इसके आगे वाला हमें करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको आना है, अपने वीडियोज में आ जाना है, और वीडियोज में आपको जिस भी वीडियो का कम्युनिटी पोस्ट करना है, ठीक है, उसको आपको पहले सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? यानी कि मान लीजिए मैंने कहाँ पे किया था, कौन सा किया था, ये देख लेते पहले। मैंने ये वाला किया था, बिग बॉस पहुंच गई लड़की, और ये मुझे करना है थंबनेल के लिए, सिर्फ चार चीजें इंपॉर्टेंट। इस पर क्लिक करना है थ्री डॉट पे, और यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सबसे पहले कॉपी लिंक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसी पे क्लिक करके आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आ जाना है क्रिएट पोस्ट, ठीक है? इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका पोस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देना है, जो भी लिखना है। मान लीजिए मेरा है कि थंबनेल के लिए सिर्फ चार ट्रिक, तो चार ट्रिक यहाँ पे मैं लिखूंगा। क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखना है आपको चार, अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, चार ट्रिक फॉर थंबनेल, ठीक है? चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया थंबनेल। उसके बाद यहाँ पे मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, जो कि मेन चीज़ है। उसके बाद थोड़ा सा एंटर करेंगे, डाउन में आ जाएगा, और ये लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये देख सकते हो ऑटोमेटिक ये पोस्ट हो जाएगा, ठीक है? कुछ टाइम लेगा यहाँ पर, ये देख सकते हो शेयर्ड थंबनेल, ये जो आपने टाइटल लिखा और पोस्ट हो गया। फिर यहाँ से आप व्यू करोगे तो यहाँ पे आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकोगे कि मेरा पोस्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी है, और ये 9 सेकंड एगो अभी मैंने ये किया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप थंबनेल अपना या फिर वीडियो का जो है पोस्ट कर सकते हो, यानी कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हो, और इसी तरीके से आपकी वीडियो में भी व्यूज बढ़ेगा। अगर कोई यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, ये वीडियो यहाँ से चालू हो जाएगा, ठीक है? 7 मिनट का 6 मिनट 59 सेकंड। फिर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, आपने दिया ये देखो वीडियो ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो में व्यूज बढ़ा सकते हो। तो आई होप्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप्स गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, और इसका क्या क्या प्रॉफिट है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। आप अनदर सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।